में चल रही वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में शनिवार को 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय कंपाउंड कैडेट महिला और पुरुष टीम के अलावा भारत के मिक्स टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम ने तुर्की की टीम को पराजित किया, वहीं पुरुष टीम ने अमेरिका को पराजित किया। भारत ने इस चैंपियनशिप के 7 इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। सभी खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया। तो भले ही ओलंपिक में पदक ना पाए हो तीरंदाजी में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे लगातार कई इवेंट हो रहे हैं जिसमें भारतीय तीरंदाज एक के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर मेडल हासिल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पोलैंड में ये जो वर्ल्ड आर्चरी हुई है, इसमें भी 3 स्पर्धाओं में मिक्स डबल में टीम इवेंट्स में भी वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में जलवा बिखेरा है भारत के तीरंदाजों ने। महिला टीम ने तुर्की को पराजित किया, पुरुष टीम ने अमेरिका को पराजित किया और मिक्स्ड टीम में भी मिक्स्ड टीम इवेंट्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आर्ची चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले, वहां जीत दर्ज करने वाले तमाम तीरंदाजों को सम्मानित किया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली जब पहुंची तीरंदाजों की ये टीम, तो यहां पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर। दरअसल इस वक्त जो इवेंट चल रहे हैं पोलैंड में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, इसमें 3 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किया। भारतीय कंपाउंड कैडेट महिला और पुरुष टीम के अलावा भारत के मिक्स टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। महिला टीम ने तुर्की की टीम को पराजित किया, वहीं पुरुष टीम ने अमेरिका को पराजित किया। भारत ने इस चैंपियनशिप के 7 इवेंट में फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सभी खिलाड़ियों को अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी फराह का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे दिल्ली से। फरा, किस तरह के नजारा देखने को मिला, कहां पर ये सब कुछ हुआ, कहां पर केंद्रीय मंत्री ने इन तीरंदाजों को, उभरते हुए तीरंदाजों को सम्मानित किया है, क्या रहा था कार्यक्रम? जी पंकज, अगर कार्यक्रम की बात करें शुरुआत से, तो अर्जुन मुंडा जी ने अपने घर पे सबको सम्मानित किया। और जिस तरीके से अगर टीम की बात करें तो उसमें अलग ही खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि ये 15 अगस्त को हुआ कि पोलैंड में चल रहे वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में जिस तरीके से 3 गोल्ड मेडल एक पुरुष टीम ने जीता और एक मिक्स टीम ने, पुरुष टीम ने 5-3 से फ्रांस को हराया और जो मिक्स टीम है उसने 6-2 से जापान को हराया। महिलाओं की बात करें तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता, तो कहीं ना कहीं काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल का जो अपने नाम किया। वहीं हमने बात भी की खिलाड़ियों से तो उनका साफ ये कहना था कि 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया तो काफी खुशी थी। वहीं अर्जुन मुंडा जी ने भी सम्मानित किया और बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, तो वहीं जो तीरंदाज थे वो काफी खुश नजर आए। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ और काफी देर चला, जिसमें अर्जुन मुंडा जी ने उन लोगों को भी सराहा जो लोग अपने नाम मेडल नहीं कर पाए, उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर इस मौके में नहीं हो पाया तो अगली बार फिर कोशिश करेंगे और फिर हासिल करेंगे। और जिन लोगों ने मेडल अपने नाम हासिल किए थे, चाहे वो गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, क्योंकि महिलाओं ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, तो उनको भी काफी प्रोत्साहन मिला। तो कार्यक्रम काफी अच्छे से हुआ और जो टीम थी उनमें एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। फरा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी थे, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई इस पूरी टीम स्पर्धा में, जो कि महिला टीम हो जाए या पुरुष टीम हो जाए या फिर मिक्स्ड जो स्पर्धा थी उनमें झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए? जी
जी, झारखंड की एक लड़की शामिल थी जिनका नाम कालकी था। उन्होंने अपने नाम एक गोल्ड मेडल हासिल किया और उन्होंने हमसे न्यूज 11 भारत से बात भी की और उनकी भी काफी खुशी उन्होंने जाहिर की। उनका साफ कहना था कि जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई है और ये सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे चल के काफी कुछ करना है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो एक ही महिला थी जिनको गोल्ड का मेडल मिला है, झारखंड से एक ही प्लेयर थी और उनका साफ कहना है कि आगे और कोशिश की जाएगी और नाम जो है झारखंड का वो रोशन किया जाएगा। बिल्कुल फरहा, तो जिस तरीके से ओलंपिक में आने के बाद से लगातार खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता था कि हम बाकी स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को भूल जाया करते थे, जो बड़े इवेंट्स थे उसमें जब शामिल होते थे खिलाड़ी जीत दर्ज करते थे तो हम उन्हें सम्मानित करते थे, लेकिन एक नई शुरुआत हो रही कम से कम कि खिलाड़ियों को, चाहे वो उभरते हुए खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे यूथ आर्चर क्यों ना हो, सबको सम्मानित किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, एक संदेश दिया जा रहा है उन लोगों को भी जो अच्छा नहीं कर पाए कि वो आगे अच्छा कर सकें और जो लोग करके आए उनको ताकि प्रोत्साहन मिले वो और अच्छा करें। तो जैसा कि आपने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी एक संदेश जा रहा है कि और बेहतर करना है, क्योंकि एक बार अगर प्रोत्साहन मिलता है तो खुशी भी मिलती है और मेहनत करने का मन होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फरहाबाज साहब, जुड़ी आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से ये पूरी कवायद की गई थी, किस तरीके से अर्जुन मुंडा के आवास पर ये आयोजन किया गया था और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस कार्यक्रम में उन तमाम खिलाड़ियों को जो कि पोलैंड में हुए वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गए थे सबको सम्मानित किया और उन्होंने ये भी कहा उन खिलाड़ियों से, खास तौर से जो किसी वजह से निशाने में चूक गए, कम पॉइंट्स रह गए और पदक से चूक गए, तो ऐसे खिलाड़ियों को खास तौर पर अर्जुन मुंडा की ओर से सम्मानित किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, कहा कि कोई बात नहीं, आप इस लेवल पर पहुंचे ये अपने में आप में बड़ी बात होती है और इन तमाम खिलाड़ियों को जिस तरीके से सम्मानित किया गया उसे एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि अब देश को खेल के हब के तौर पर हम विकसित करेंगे, तमाम प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, जिस तरीके से चीन, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम जो ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़े ये जो देश हैं जो खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी तरीके से भारत के खिलाड़ियों को भी हमें मौका देना है, संसाधन देना है, बेहतर ट्रेनिंग देनी है जिसके तहत वो आगे बढ़ पाए और देश का नाम रोशन कर पाए। तो एक बार फिर से फरा के साथ हम जुड़ते हैं और फरा से जानेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान, चलिए सम्मान तो हमने दिया लेकिन इन खिलाड़ियों को और किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर किस तरीके से इनके खर्चे वगैरह के लेकर क्या कोई बात सामने निकल कर आई, कैसे उन्हें सम्मानित तो किया हमने, ठीक है बहुत अच्छी बात है, सम्मान देना चाहिए क्योंकि पदक जीते ना जीते लेकिन जिस लेवल पर जाकर ये प्रदर्शन करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर था, ठीक है यूथ आर्चर्स थे, लेकिन अब आगे क्या कुछ किया जाएगा, इनके साथ क्या कुछ जानकारी मिली कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी या इन्हें किस तरह के भत्ते दिए जाएंगे या कुछ जानकारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सम्मान करना बहुत जरूरी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सम्मान करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ जाकर इतनी मेहनत से जो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, रही बात ट्रेनिंग की तो अर्जुन मुंडा जी ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और पूरी ये कोशिश की जाएगी कि जो लोग अभी बेहतर नहीं कर पाए हैं वो आगे चल के और बेहतर कर पाए और देश का नाम जो है वो बेहतर हो और रोशन हो। तो इसके लिए पूरी ट्रेनिंग के भी इंतजाम किए जाएंगे। पूरा जो कार्यक्रम था उसमें बच्चों से भी बात की गई थी कि वो कैसा चाहते हैं, उन्हें कैसी ट्रेनिंग चाहिए, इन सब सारी चीजों पर बात हो रही थी और इन पर अब डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे चीजों को इवैल्यूएट करके चलना है। चलिए बहुत शुक्रिया फरा, आपने तफसील से पूरी जानकारी दी, पूरे इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाले दिनों में इन खिलाड़ियों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी बताया आपने कि एक संदेश दिया गया, एक प्रेरणा के तौर पर इन्हें सम्मानित किया गया और उन तमाम प्रतिभाओं के लिए कहीं ना कहीं
जो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उनके लिए एक तरह से ये एक संदेश था कि आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया फरा।